Hello and good morning children. Today we will learn how to color an object. So you don't have to do this in your drawing copy. ये आपको अपने drawing copy में नहीं करना है, ये बस आपको ये जानना है कि हम किसी भी चीज़ को color कैसे करते हैं. So today we will color an apple. So who knows Which color is apple? Apple किस color का होता है? Can anybody guess? Yes, you are right. Apple is red in color. So, आज हम लोग apple को red color से color करेंगे. So, आपको ये जानना है कि हम लोग color कैसे करते हैं. आप एक crayons लेंगे red color का, क्योंकि हम लोग apple को color कर रहे हैं, तो हम लोग red color का crayons लेंगे. और इस तरह से हम लोग कलर स्टार्ट करेंगे. आप ठीक से देखेंगे, आप एक ही डायरेक्शन में कलर को करेंगे. अगर आप इस तरह से कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो आप इस तरह से नहीं करेंगे. सो वी विल कलर लाइक दिस इन वन डायरेक्शन. यू विल नॉट कलर इन मेनी डायरेक्शंस. सो यू हैव टू कलर लाइक दिस Left to right. आपको ये ध्यान रखना है कि आपका कलर इस आउटलाइन से बाहर नहीं जाए. कैन यू सी दिस इज योर आउटलाइन. ठीक है, ये आपका आउटलाइन है एप्पल का. आपको कलर करने के वक्त ध्यान देना है कि आपका कलर इस आउटलाइन के बाहर नहीं जाए. आपको इस आउटलाइन के अंदर ही कलर करना है. ठीक है, आप ठीक से करेंगे जिससे कि कलर आपका बाहर नहीं जाए और ये आउटलाइन तक पूरा कलर भी हो जाए. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल कलरिंग. आप जल्दबाजी में इसको करने के टाइम पे बाहर नहीं निकालेंगे आउटलाइन से. You can see how I am coloring in one direction, है ना? So you have to color like this. This is a apple, and apple is in red in color. So you have to color it with red color like this. You have to color in only one direction. Okay? This will look good. और अगर आप अलग अलग तरीके से color करेंगे, अगर आप कभी ऐसे कलर करेंगे तो ये अच्छा नहीं दिखेगा. जब आप इसको एक ही डायरेक्शन में कलर करेंगे इस तरह से तो आपका एप्पल सबसे सुंदर दिखेगा. ओके, अब आप देख सकते हैं मैंने एप्पल को पूरा कलर कर लिया है इस रेड कलर से. आपको ये अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि मैंने ये एक डायरेक्शन में कलर किया है. अगर आप इसे एक डायरेक्शन में कलर करेंगे और आउटलाइन के अंदर करेंगे तो ये सबसे सुंदर दिखेगा. अगर आप इस आउटलाइन के बाहर कलर निकाल देंगे और अलग अलग डायरेक्शन में करते हैं तो ये बाकियों से आपका अच्छा नहीं लगेगा. इसीलिए आप एक ही डायरेक्शन में कलर करेंगे और इस आउटलाइन के बाहर नहीं निकालेंगे. ओके, आप देख सकते हैं कलर कहीं से बाहर नहीं गया है, आउटलाइन के अंदर है ना. आपको उसी तरह से करना है. ये आपको बनाना नहीं है या अपने ड्राइंग कॉपी में नहीं करना है. आपको बस ये याद रखना है कि कलर कैसे करते हैं. ठीक है, थैंक यू.